बसपा सुप्रीमो मायावती ने निकाय चुनाव के ऐलान के बीच दो नेताओं पर एक्शन लिया है। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके राजकिशोर सिंह और उनके भाई ब्रजकिशोर सिंह को बसपा ने निष्कासित कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और यही बात बसपा सुप्रीमो मायावती को नागवार गुजरी। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने दो दिवसीय यूपी दौरे पर लखनऊ और फिर अयोध्या पहुंचे। यहां राजकिशोर सिंह और ब्रजकिशोर उनके स्वागत में शामिल हुए। जब ये बात मायावती के कानों तक पहुंची तो उनका पारा हाई हो गया। इसके बाद अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से दोनों कद्दावर नेताओं के खिलाफ एक्शन हो गया। को लेकर क्या कहेंगे कि ये डिस्कशन क्यों हुआ है? अब अनायास किसी को तकलीफ हो जाए, वो अभी जिसको आप नेता अपना मानिए उसी को तकलीफ हो जाए, तो उसके उसमें हमारा कोई बस तो है नहीं। जो लेटर जारी हुआ है इसमें ये कहा गया कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियां, तो क्या इसमें आप शामिल थे? अब हमें खुद नहीं पता है कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधियां मैंने किया। हाँ, मेरे भाई हैं, उनका जहाँ रिश्ता संबंध है, अगर वो वहाँ अगर वो गए उसके नाते कोई निकाले मुझे पार्टी से, तो पार्टी का दुर्भाग्य है कि हमारा दुर्भाग्य मैं नहीं जानता। महाराष्ट्र के सीएम आज आए थे अयोध्या दौरे पे और उनके साथ ब्रजकिशोर सिंह जी देखे गए, तो क्या ये एक वजह हो सकती है? अरे क्या बात, इसमें क्या कोई बात है, कोई आया है दर्शन करने? शिंदे जी की राजनीति महाराष्ट्र में है, पूरे देश में तो करते नहीं थे, वो तो भगवान रामलला के दर्शन के पहले भी आए थे, जब मुख्यमंत्री नहीं हुए थे तब भी डिंपल उनका स्वागत किए थे, और इस बार जब वो सीएम हो गए आए तब भी उनका उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि उनके व्यक्तिगत रिश्ते जिससे होते हैं वो आदमी उस रिश्ते में जाता है, कहीं पार्टी के खिलाफ इन्होंने तो कोई नारा नहीं लगाया, पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी हरकत नहीं किया। अगर उन्होंने डिंपल के साथ साथ मुझे भी निकाला तो उनको बहुत धन्यवाद। डूबती नैया है क्या बसपा? अब हम भी नहीं कहेंगे डूबती नैया है, लेकिन अब देखने से जब कभी कभी मति भरभष्ट होती है तो स्वाभाविक है उस, चाहे वो घर हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो कुछ, वो बर्बाद हो जाता है। जनाधार को लेकर भी अब सवाल खड़े होते हैं कि अब बसपा का कोई जनाधार नहीं रह गया है, दलित वोट हो या ब्राह्मण वोट हो सब टूट गए हैं। ये सही है, अगर बीएसपी से मैं न लड़ा होता तो निर्दल लड़ता तो मैं विधायक हो जाता, उस पार्टी से लड़ने के नाते मेरा नुकसान हुआ और मैं हार गया चुनाव। बता दें कि बस्ती क्षेत्र में राजकिशोर जाने पहचाने नेता हैं, तीन बार विधायक रह चुके हैं और बसपा सपा और कांग्रेस तीनों पार्टियों को बारी बारी ज्वाइन भी कर चुके हैं। लंबे समय तक सपा सरकार में मंत्री रहे राजकिशोर 2020 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सपा में शामिल हुए थे। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने बसपा से ही की थी, फिर 2003 में सपा में शामिल होने के बाद 2007 में पहली बार मंत्री बने, फिर 2012 में भी वो सपा में कैबिनेट मंत्री रहे, 2017 में चुनाव हारने के बाद वो 2020 में फिर बसपा में शामिल हो गए थे। NBT ऑनलाइन के लिए बस्ती से वसीम अहमद की रिपोर्ट।